हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो देखो फ्रेंड्स, क्या है ना कि एक हाउसवाइफ जब इतनी बड़ी गिफ्ट देती है ना, वो बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि वो घर का काम करती है, खुद की हस्बैंड की मदद करती है, उसमें से वो खर्चे में से, पॉकेट मनी में से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाती है ना, और इतनी बड़ी गिफ्ट लेना मतलब बहुत बड़ी बात होती है लेडीज के लिए। तो मैंने भी मेरी पॉकेट मनी बहुत सालों से बचाई है, और मैंने सोचा चलो मेरे हस्बैंड मुझे सारी खुशियां दे रहे हैं, तो आज मैं उनको इतना अच्छा तोहफा देऊं कि वो खुश हो जाए। तो आज मैं लेने आ चुकी हूँ इनके लिए आईफोन। और ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि मुझे आपको पहले से ही मैंने एक क्लिप रे रखी थी कि मुझे आपको इसके साथ ये शेयर करना है कि मैंने किस तरह से सारा सेटअप किया और मैंने मेरे हस्बैंड को इतनी बड़ी गिफ्ट दी और वो इतने खुश हो गए थे कि तूने इतनी बड़ी गिफ्ट क्यों दी। पर बस मुझे मन में था कि मुझे उनको देना है, तो मैंने ले लिया 15 प्लस इनके लिए आईफोन 15 प्लस। बहुत हैप्पी थे वो। और फ्रेंड्स देखो, वो हमारी हर एक जरूरत को पूरा करते हैं ना, तो हमें भी उनकी कभी कभी छोटी छोटी जरूरत को ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि जो हमारे घर के जेंट्स होते हैं ना, उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है ना, तो वो उनके कोई कोई ख्वाब है ना वो दबा देते हैं। तो बस हमें वो चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि उनको क्या पसंद है, तो लाओ हम कभी उनके लिए कुछ इकट्ठा करके, पॉकेट मनी बचा बचा के उनकी ख्वाहिशों को पूरा करे, तभी तो हमारा जीवन खुशी खुशी निकलेगा। तो बस यही होता है, मेरे हस्बैंड को मैं कोई भी चीज एक बार मांगती हूँ ना, तो दूसरे या तीसरे दिन मुझे मिल ही जाती है। तो मैंने सोचा जब वो मेरा इतना ख्याल रखते हैं, तो मुझे भी उनका, उनके मन में क्या चल रहा है उसका ख्याल भी मुझे रखना बहुत जरूरी है। तो ये बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट है उनके लिए, और वो खुश हो गए, सारे लोग खुश हो गए कि तूने इतनी बड़ी गिफ्ट दी। हाँ जी, मैंने इतनी बड़ी गिफ्ट दी। तो यही प्रोसेसिंग थी, और थोड़ा मुझे इसके मामले में पता नहीं चल रहा था, तो मैंने बहुत सारे लोगों का सहारा लिया और मैं लेकर आई। और बस उसके साथ एक गिफ्ट भी आई थी, तो मैं उसकी भी शेयर कर रही हूँ आपके साथ। और औरतें हैं ना, कोई भी गिफ्ट छोड़ेगी नहीं। मैंने 3 से 4 बार उनसे मांग ली कि ये गिफ्ट मुझे चाहिए, क्योंकि उनके वहां अवेलेबल थी ना। तो मैंने बोला कि ये क्या पड़ा है आपके यहाँ, तो बोले ये गिफ्ट है, जो बड़ी गिफ्ट लेते, बड़ा फोन वगैरह लेते हैं ना, तो उनको देने के लिए है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, ये मुझे भी जरूर जरूर देना। तो उन्होंने बोला ठीक है चलो। तो वो थोड़ा सा फिर बोलने के बाद वो लोग थोड़े मुकर गए थे, फिर मैंने मेरी जिद नहीं छोड़ी और मैं गिफ्ट लेकर आई, और बहुत सुंदर सी गिफ्ट थी, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने सारा सेटअप किया और मैं इनके लिए इतना प्यारा सा गिफ्ट लेकर आई, क्योंकि मैं इतना बड़ा सेलिब्रेशन कर रही हूँ ना, तो मुझे अच्छी वाली कुछ देना था। और उन्होंने भी मुझे बहुत प्यारी सी गिफ्ट दी है, मुझे एक गोल्ड की अंगूठी दी है, डायमंड गोल्ड की, बहुत प्यारी सी थी वो। मैं आपको साथ शेयर करूंगी इस ब्लॉग के अंदर ही। तो मैं ना आज बहुत अच्छा सा ब्लॉग है ये वाला, कि आगे इसलिए मैं बता रही हूँ ये क्लिप, कि आप इंजॉय कर पाओ सारी चीजों को, आप देख सको कि मैंने किस तरह से सारा किया हुआ है। और इस ब्लॉग में आपको बहुत मस्ती मजाक मिलने वाली है, क्योंकि सारे लोग इतने डांस कर रहे, इतने खुश है। मैंने किस तरह से सबसे बातें की, किस तरह से सारे लोगों ने डांस किया, वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इसके साथ। और फ्रेंड्स देखो, इस तरह का पूरा एक बाथरूम थ्रूम सेट मुझे मिला हुआ था पिंक कलर में, और बहुत सुंदर था। इसके अंदर 6 पीस आए हुए थे। तो चलो अपन एंजॉय करते मेरी एनिवर्सरी को। अरे बजाओ ने, बोलो ना भाई, हाँ जल्दी, जब कोई बात बिगड़े लगा Thank you.
सा हमारी पार्टी में हल्की सी कसर रह गई थी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं ना, तो सारे बच्चों को पढ़ाई करते रहते हैं, तो हमने थोड़ा सा जल्दी ही हमारा स्पीकर है वगैरह बंद कर दिया था। पर एंजॉय तो एंजॉय में किसी ने कसर नहीं छोड़ी और सारे लोगों के मुंह पे तारीफ थी कि आपने बहुत अच्छा किया है, बहुत एंजॉय किया। उसी से हमें पता चल गया कि नहीं भाई अच्छा लगा सभी को। ये हमारी फैमिली के सारे जेंट्स है जो फोटो शूट करने आ चुके थे और बहुत एंजॉय किया इन लोगों ने, और सब लोगों ने इतना डांस किया है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। बस मैं एक ही रह गई कि मेरी क्लिप किसी ने भी नहीं ली, और ली है तो मैं थोड़ा सा ढूंढ ढूंढा के मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। सब लोग है ना स्टेज पे डांस कर रहे थे ना, तो मैंने सोचा बोला मैंने कि स्टेज टूट जाएगा भाई, आप नीचे उतर जाओ। यहाँ पे सारे यंग बच्चे थे और हमारे एज के भी सारे लोगों ने खूब इंजॉय किया, तो चलो आप भी सब मिल के इंजॉय कीजिए। को इतनी शर्म कैसे आ रही है, ऐसा लग रहा था कि मतलब इनकी पहली बार शादी हो, इतने शर्मा रहे थे। नहीं नहीं डांस नहीं करना है, पर यार कपल डांस तो करना ही पड़ेगा ना, तो थोड़ा बहुत हम लोगों ने डांस किया। और फिर पता नहीं क्या हो रहा था, तो बार बार है ना स्पीकर बंद हो जा रहे थे और सब लोगों की फरमाइश थी ना, तो उस तरह से बज रहा था और हम लोगों को थोड़ी सी शर्म ही आ रही थी। और मेरे हस्बैंड को डांस करना इतना नहीं आता है, तो जैसे जैसे सब बता रहे थे वैसे वैसे कर रहे थे। चलो फिर आप भी करो एंजॉय इस डांस के साथ।
यहाँ पर एक क्लिप मेरी मिल चुकी थी पर ले ली उन लोगों ने एक खड़ी क्लिप, तो उसमें ज्यादा दिखेगा नहीं, तो मैंने मेरे जीजू के साथ और सबके साथ, भाई भाभी के साथ, सबके साथ मैंने डांस किया और खूब इंजॉय किया। और मेरे हस्बैंड लग चुके थे उनके काम में, सब मेहमानों को संभालने में, और भाभी बहन के लड़के बहन वगैरह सारे लोगों ने, हमने खूब डांस किया। पर पता नहीं इस क्लिप को किसने लिया वो मुझे नहीं पता है, और जो जो क्लिप छूट गई है ना वो मैं मिक्स करके शेयर कर दूंगी। हमारी एनिवर्सरी खत्म हो चुकी है, घड़ी में बज गई है 10:30 और मैंने कपड़े चेंज कर दिए, और आज का मेरा ये अभी रात का नाइट का आउटफिट। और घर में आपको बता देती हूँ, अगर कोई होगा तो वो आएगा भी निकले करने के लिए। मैं स्टार्टिंग यहीं से करती हूँ, यहाँ मेरे कपड़े निकाल के रखे हैं, ये सारी गिफ्ट जो ओपन करेंगे जब आपको बताएंगे किसने क्या दिया है। और ये देखो थक चुक के बैठ गए हैं, और पीछे दी है जो गिफ्ट हनी ने दी है, और यहाँ पर पूरा मेसी मेसी माँ। अरे कहीं हो गया रे, कौन बैठा है? अब थोड़ा मैं वो करू ना, यहाँ पे देखेगा मानो, हाई कर दो, हाई कर दो बेटा, हाय हेलो बोल दो, बाय। अच्छा भाई बोल रहे, हाय बीटू, जल्दी चेंज कर लिया अली, मैं तू चल ही नहीं सक रही हूं बजा, अरे इतना मैं चल ही नहीं सकी, लाओ मां कुछ कैसे बेटा क्या कर रहे हो? अरे मोटू मोटू तो क्या है ना, बैठो मोटू, चल यहाँ उतर, मुझे दूध आपू, चल ऊपर आई, चल ओ नहीं हटेलो, नहीं हटेलो, हटी आई जा बका, चल चल मोटू अपने जाइए, आई जा बका, आई जा चल, हाँ हाँ डब्बा में दे दूँ, हाँ हाँ हाँ, कैसे लगे खाओ को? बहुत अच्छा लगा, हाँ लो हाई कर दो, बाहर वाके लाओ, सरकार पछाड़ी खेल जो ना हम अंदर आइए, कुछ भी नहीं करेगा को, गिफ्ट दोगे ना रिटर्न? ये कपड़े पहनना आपके लिए हो ना, इतना जोरदार लागो जो ने, वाओ सो ब्यूटीफुल, ये लोग ए भाई भाई दिस दिस वो जाता रहो दो जन, ये और दोनों के लिए होगी फिश, मेरा उबार थूक लगा हुआ आँख में, उबा थूक लगा है, थूक लगे आलू, गाइस रात की 12:30 बज चुकी है, कोई सोने का नाम ही नहीं ले रहा है, मेरी आंखें काली काली हो गई, सोना नहीं आप लोगों को? कौन? नहीं मेरे को तो बहुत आ रही है सर,
नींद नहीं आ रही है, नींद आई नहीं बोल रहा, नींद का आ रही है, नींद बाकी, चेंद बाकी, पीने का बाकी, खाने का। निकल रहे हो? लेट चले जाते, चाय तो पिला दी। साढ़े छह बजे हुए गाइस। अरे बेचारा उठे।